शौर्य भूमि चित्तौड़गढ़ के त्याग और बलिदान की कहानी इतिहास का एक हिस्सा भर नहीं, एक ऐसी प्रेरक कहानी है जो बदलते हुए माहौल में भी आम आवाम को रोमांचित करती है। मातृभूमि के लिए मर मिटने की प्रेरणा देने वाले चित्तौड़गढ़ ने इतिहास के हर उतार चढ़ाव को इतने करीब से देखा है कि विकास और विनाश की परिभाषाओं को समझना इस शहर के लिए मुश्किल बात नहीं। दरअसल राजस्थान के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है चित्तौड़गढ़। शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के स्मारक आज भी शूरवीरों और वीरांगनाओं की दास्तां बयान करते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक चित्रांगद मौर्य ने स्थापना की थी चित्तौड़गढ़ की। बाद में इसी के नाम से यह क्षेत्र चित्रकूट कहा जाने लगा। चित्रकूट से यह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ कब और कैसे कहा जाने लगा यह किसी को पता नहीं। अनुमान लगाया जाता है कि चित्रकूट से अपभ्रंश होते होते ही चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा यह क्षेत्र। इतिहासकार कर्नल टॉट के अनुसार सन 728 ईस्वी में बापा रावल ने इस दुर्ग को मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से छीनकर गुहिल वंशीय राज्य की स्थापना की और बापा रावल ने ही रची प्रसिद्धि और वीरता की कहानी। चित्तौड़गढ़ के स्मारक आज पर्यटकों को तो इसके गौरवमय इतिहास को जानने के लिए लालायित करते ही हैं, शौर्य की दास्तां भी बयां करते हैं। शौर्य, साहस और बलिदान के तीर्थ चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के किलों का तो सिरमौर है ही। किले के साथ हजारों क्षत्रिय योद्धाओं के शौर्य और पराक्रम की अनगिनत रोमांचक कहानियां भी जुड़ी हैं। रानी पद्मिनी, राजमाता कर्मावती जैसी सैकड़ों वीरांगनाओं के जौहर, वीर गोरा बादल, कल्ला राठौड़ व पत्ता सिसोदिया के अपूर्व पराक्रम और बलिदान का स्थल है चित्तौड़ दुर्ग। गंभीरी और बीड़च नदियों के संगम के समीप अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर पर स्थित है चित्तौड़ दुर्ग। समुद्र तल से 1800 फीट ऊंचे, 3.5 मील लंबे और आधा मील चौड़े क्षेत्र में फैले इस दुर्ग का रियासत काल में विशेष सामरिक महत्व था। दिल्ली से मालवा और गुजरात के मार्ग पर होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में अहम रहे इस दुर्ग ने मौर्य गुहिल राजवंश का शासन देखा तो प्रतिहार परमार, खिलजी, चौहानों और मुगल बादशाहों की अधीनता भी झेली। रणथंभौर विजय के बाद इस किले पर चढ़ाई करने वाले दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और राणा रतन सिंह की सुंदरी रानी पद्मिनी समेत कई क्षत्रिय महिलाओं के जौहर का मूक गवाह रहे चित्तौड़ दुर्ग का पद्मिनी महल आज भी इस सच का साक्षी है कि सत्ता की खातिर चित्तौड़ ने कोई समझौता नहीं किया। 1433 से 1468 ईस्वी में राणा कुंभा के शासनकाल में समृद्धि और कीर्ति की पराकाष्ठा पर रहे चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ स्थापत्य कला का बेजोड़ स्मारक है तो कुंभा श्याम मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर आस्थाओं के अनूठे धाम हैं। वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने ही निर्माण कराया था इन स्तंभ और मंदिरों का। एक नहीं, तीन तीन शाखाओं के साक्षी रहे चित्तौड़ दुर्ग ने पराक्रमी शासक राणा सांगा के पराक्रम को भी देखा तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण भी सहे। बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया तो राजमाता कर्मावती समेत कई वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में अपनी आहुति दे एक इतिहास रच दिया। 1567 में विशाल सेना के साथ मुगल बादशाह अकबर ने इस दुर्ग पर चढ़ाई की तो भी वीरांगनाओं ने वही तेवर बरकरार रखे। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग का सुंदर उदाहरण है। 7 प्रवेश द्वारों से गुजरकर पहुंचने पर अनेक पुराने महल, भव्य देव मंदिर और कीर्ति स्तंभ नजर आते हैं और सभी की दास्तान जगाती है मन की जिज्ञासाएं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित
भव्य राजमहल परंपरागत हिंदू स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है तो कुंभा की ही कल्पनाओं से जुड़ा विजय स्तंभ प्रमुख आकर्षण है चित्तौड़ किले का। नौ खंडों वाला यह स्तंभ लगभग 120 फीट ऊंचा है। इसके नौ खंड और मंजिलें प्रतीक हैं नवनिधियों की। लोक विश्वास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत दर्ज कर विजय के उपलक्ष में बनाया था यह विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ की अपनी कीर्ति कथा है तो पद्मिनी महल की अपनी दास्तान है। चित्तौड़गढ़ शौर्य और साहस की गाथाओं का तो साक्षी है ही, कृष्ण भक्त मीरा की भक्ति का भी साक्षी रहा है। कुंभ श्याम मंदिर के अहाते में स्थित मीरा मंदिर प्रेम दीवानी मीरा की भक्ति बयान करता है तो पास ही स्थित कवि रैदास का स्मारक याद दिलाता है मीरा के गुरु रैदास की। मीरा के निज मंदिर में मुरली बजाते कृष्ण भी हैं तो भजन और भक्ति में लीन मीरा भी। गौरवशाली अतीत और वैभवपूर्ण वर्तमान के साथ उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्व में राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले, दक्षिण पश्चिम में बांसवाड़ा जिले, पश्चिम में उदयपुर एवं राजसमंद तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बूंदी जिले से जुड़े चित्तौड़गढ़ का अधिकांश भाग तटवर्ती और अरावली से आच्छादित है। 10,856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले चित्तौड़गढ़ जिले का मुख्यालय है चित्तौड़गढ़। यहां स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन भी होता है तो विकास कार्यों का निर्देशन भी होता है। चित्तौड़गढ़ जिले की आबादी में से ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं, जबकि कई लोग जिले में चल रहे उद्योग धंधों से आजीविका कमा रहे हैं। समृद्ध लोक संस्कृति के संवाहक इस जिले के बस्सी कस्बे की काष्ठकला की धूम आज देश के विभिन्न राज्यों तक ही सीमित नहीं, पर्यटकों के जरिए विदेशों में भी इस काष्ठकला के कद्रदान बढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर स्थित बस्सी के काष्ठ कलाकार कावड़, पेवान, कठपुतली, बाजोट और मुखौटे बनाने में तो सिद्धस्त हैं ही, लकड़ी के खिलौने, हाथी घोड़े और फर्नीचर बनाने में भी उन्हें पूरी महारत हासिल है। इसी कला के बूते बस्सी के कई काष्ठ शिल्पियों ने पुरस्कार भी जीते हैं तो कई सम्मान भी हासिल किए हैं। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता दिवंगत प्रभात जी सुथार माने जाते हैं तो थेवा कला का संवाहक है प्रतापगढ़ का एकमात्र सोनी परिवार। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है जिसकी ख्याति सात समंदर पार के देशों में भी है। कई हस्तकलाओं के कारण पहचाने जाने वाले चित्तौड़गढ़ में कला को तो प्रोत्साहन मिला ही है, निरंतर विकास को भी अहमियत दी गई है। औद्योगिक विकास की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे चित्तौड़गढ़ में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। हर साल पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिले में पर्यटन विकास पर भी खास जोर दिया जा रहा है।